मोदी जी का एमएसपी का बिना किसानों का आय कैसे दुगना हो सकता है। काल भी भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इस साल भी भारत सरकार फर्टिलाइजर का दाम बढ़ने नहीं देगा। अगर खाद का दाम बढ़ते हैं तो किसानों का आय दुगना कैसे होगा। इस बार भी मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि धान का खरीदारी में एमएसपी बढ़ाया जाएगा। अगर मोदी सरकार काम नहीं करेगा किसानों का आय दुगना कैसा होगा। तो किसानों का आय दुगना करने का कारण ही भूपेश बघेल को विदा कर देना चाहिए। आपके पास मोटो क्या है, आपके पास यानी क्या? हमारा पास ही तो मोटो है। आज पूरा देश में किसानों का जो खुशहाली है वो तो मोदी जी का कारण ही है। आप बोल रहे हैं दो हजार रुपए मोदी सरकार से मिलता है और 600 रुपए केवल भूपेश सरकार। मोदी सरकार से जो मिलता है वो तो केवल लागत मूल्य है और जो राज्य सरकार 600 रुपए दे रही है वही तो किसानों को फायदा है। एक किसानों का जेब पे 2600 रुपए आते हैं, 2000 मैं देता हूँ और मुझको आप बोलते हैं सर तुम हाथों तुम लागत मूल्य और जो 600 रुपए उनको माला पहना दे रही है, ये भाई कैसा काम होगा। आपकी छवि देश भर में खासकर माइनॉरिटीज और मुस्लिम विरोधी बन गई है। मैं किसी का विरोधी नहीं, लेकिन कोई भी मुझको बोलता है कि आप हिंदू के लिए बोलता है उससे गर्व का बात क्या हो सकता है। मेरा मन है चुनाव में हिंदू मुसलमान का बात नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ मद्रासा बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो मुसलमान भाई लोग, इसमें मुसलमान क्यों आपत्ति करेगा। अगर मैं बोलता हूँ भाई आपका मस्जिद के लिए आपका अपना जमीन है, मंदिर का ऊपर मस्जिद मत बनाइए, कौन मुसलमान आपत्ति करेगा। शक्तिशाली ईडी और सीबीआई का जरूरत है, नहीं तो आप गोठान घोटाला कैसे ढूंढेगा, आप कोयला घोटाला का पैसा कैसे बाहर आएगा, शराब घोटाला का पैसा कैसे आएगा। तो अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो सबसे बड़ा शक्तिशाली ईडी और सीबीआई देश को सही। लेकिन आप लोग का मन में ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस का नेताओं का एकदम वो लोग माँ गंगा का बेटा है, उनका घर में सीबीआई और ईडी नहीं जाना चाहिए। हमें तो खुश होता है अगर सीबीआई ईडी मेरा घर में आते हैं, आके मुझको क्लीन सीट दे देता है, भाई इसका घर में मैंने आया था सुबह कुछ नहीं मिला, उससे आपत्ति क्या है। लेकिन पार्टी में आने के बाद शुद्ध कैसे हो जाते हैं? देखिए आप जो बोलता है पार्टी में आने से कोई शुद्ध नहीं होता है, लेकिन आपका जो पैसा है वो ईडी और सीबीआई अगर निकाल के लेके आते हैं आपका आपत्ति क्या है। आपको ईडी और सीबीआई आप क्यों अपना टारगेट बनाता है। ईडी और सीबीआई जो जॉब करेगा अल्टीमेटली तो कौन फैसला देगा, सिर्फ विपक्ष। विपक्ष नहीं, पूरा माल तो कांग्रेस का पास ही है भाई। आप ये बात इतना छोटा बना क्यों नहीं समझता।